हेलो दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज आपका प्राचीन इतिहास का एकदम अंतिम लेक्चर है, ठीक है। और आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे राजपूत काल। राजपूत काल वह जो प्राचीन इतिहास का जब ट्रांजिशन फेज था, यानी प्राचीन से हम लोग मध्य की तरफ प्रवेश कर रहे थे, तो उस टाइम जो अरब आक्रमण हुए थे, ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे, अरब आक्रमण इस तरीके से। मगर उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए, अभी हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बाद जब आपका प्राचीन इतिहास ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अंतिम क्लास है, तो मैंने बताया था कि अंतिम क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जब ये आपका प्राचीन इतिहास ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, मध्यकालीन इतिहास में शुरू कर लूँ मध्यकाल, या पॉलिटी छोड़कर कोई भी आप सब्जेक्ट, चाहे भूगोल रीति ऐड करवा लीजिए, या आपका इकोनॉमिक्स ऐड करवा लीजिए, या टीका नाम में कुछ भी, मगर पॉलिटी नहीं। पॉलिटी क्योंकि सर तो पढ़ा ही रहे हैं, आदित्य भैया पढ़ा रहे हैं, तो पॉलिटी में थी यहाँ मेरे द्वारा भी पढ़ाया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। क्या आप लोग क्या चाहते हैं, मध्यकालीन इतिहास शुरू किया जाए, या थोड़ा इतिहास इतिहास पढ़ते पढ़ते दिमाग वो भी हो जाता है और मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी मैं थक जाता हूँ, तो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं किसी और सब्जेक्ट को शुरू कर दूँगा। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट शुरू करवाना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा आइए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखेंगे। सर, क्लास कहाँ पर होती है? वो क्लास आपका UPSI आदित्य सिंह पे ही होती है, ठीक है, इसी चैनल पर होती है जिस चैनल पे आप देख रहे हैं। UPSI में प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अरे वहाँ से कहाँ थे गुरु, हमको तो आपका ज्ञान ही नहीं था कि आपको इतिका नाम ये भी पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं कहाँ से नहीं क्वेश्चन आते हैं। बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े संस्थानों के बीच तो इसी बात की लड़ाई हो रही है। चलिए, जब UPSI का मैं वो कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। बुक से पढ़ो ब्रो, इन सब के चक्कर में मत पढ़ो। बाबू बड़े आराम से पढ़ो, बहुत शौक से तुम जाओ, बुक से पढ़ो। मेरे मुझसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुमने मुझे पढ़ाने के लिए पैसे दिए हैं, और ना ही मैं तुम्हारी गर्दन के ऊपर पैर रख के बैठा हूँ कि आप मुझसे ही पढ़ें। आप लोग बड़े शौक से पढ़िए, बाकी बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि आप लोग मुझसे अगर पढ़ना नहीं चाहते कोई बात नहीं, मगर जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक बुक भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बुक फॉलो करेंगे, इससे ये होगा कि मैं यहाँ जो आपको क्वेश्चन और थ्योरी तो करवा रहा हूँ, जो कुछ छूट जाता है, आप चाहे कोई कितना भी बढ़िया टीचर हो, कोई कितना भी इतनी हो, हर चीज़ वो पढ़ा नहीं सकता, उससे कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। बशर्ते आपको ये देखना है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, क्या आपने उतना कवर किया, या जो उनसे क्वेश्चन आए उनको आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, मैटर यहाँ पे ये करता है। तो आप लोग को मेरी सलाह है कि आप लोग एक बुक और फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वैसे मैं अपना 100% देता हूँ, मगर आप लोग एक बुक जरूर ले लीजिए, चाहे लूसेंट हो या आपका घटनाचक्र हो, लूसेंट हो या घटनाचक्र हो, या दृष्टि IAS की हो, दृष्टि IAS के जो अभी निकली है वो हो, कोई भी एक बुक आप लोग ले लीजिए, ठीक है। बुक से पढ़ा करो ब्रो, इन सब के चक्कर में नहीं। वही तो भाई, मैं भी कह रहा हूँ, इस तरीके से आके कमेंट सेक्शन में इधर उधर गालियाँ देने से तुम्हारा सलेक्शन होगा नहीं। बुक से भाई तू पढ़ के देख ले, कहीं ऐसा ना हो बुक से अगर सलेक्शन ना हो तो पब्लिकेशन जो पब्लिकेशन हाउस है उसको फूकने मत चले जाना कि आज मैं पब्लिकेशन हाउस को आग लगा दूंगा, इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ने दूंगा। सब लोग बुक से पढ़ो भैया जी, लोग बहुत बढ़िया, आप लोग जाइए बुक से ही पढ़िए। आप लोगों का अगर यहाँ पे अच्छा लगे, मेरा कंटेंट बढ़िया लगे, और लगे कि हाँ मैं आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझसे पढ़िए। बाकी कोई दबाव नहीं कि नहीं नहीं आइए मुझसे पढ़िए, ठीक है। देखिए भैया, SSC GD के लिए स्टैटिक GK का PDF दे दीजिए, वैकेंसी आ गई है, प्लीज़ भैया। देखिए, SSC GD का जो आपका स्टैटिक GK, वो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं। जब मैंने पढ़ाया नहीं तो उसका PDF आपको कहाँ से दे दूँ? आप लोग खुद इतिका नाम बताइए, जिस चीज़ को मैं पढ़ाया ही नहीं उसको PDF आपको कहाँ से उपलब्ध करवा दूँ? जैसे आप लोग घबराइए मत, स्टैटिक GK का एक एक पोर्शन, चाहे लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, आपके बुक्स एंड ऑथर हो गए, जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट ये इस टाइप के जो आते हैं, वो सब मैं कवर करवाऊँगा। मैंने जब कहा है कि आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, तो मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं अपनी बातों से मुकरूंगा नहीं कि 2 या 4 वीडियो डाली फिर उसके बाद अपना इतिका नाम मस्ती में हम अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। मैं सारा का सारा आपका SSC GD और MTS का पोर्शन पूरा करवाऊँगा, ठीक है। थैंक यू भैया, वेलकम बाबू सचिन टेक, वेलकम। चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज का हम लोगों का पहला लेक्चर है, सबसे पहले आप लोग डालिए राजपूत काल, ठीक है, राजपूत काल। जो प्रमुख राजपूत वंश हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे आपके बनते हैं। इनका संस्थापक पूछ लेता है और इनकी राजधानियाँ पूछ लेता है, जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। इस वंश की स्थापना किसने करी थी? तो इस वंश की स्थापना करी थी हरिश्चंद्र ने, हरिश्चंद्र। संस्थापक इस वंश का कौन था? हरिश्चंद्र, संस्थापक हरिश्चंद्र था। इसके बाद जो वास्तविक संस्थापक था, ठीक है, वास्तविक संस्थापक यानी कि प्रतापी, जो नाम को आगे बढ़ाया, वो था आपका नागभट्ट प्रथम,
नाग भट्ट प्रथम, इसका शासन कब से कब तक था? 730 से लेकर आपका 756 तक, ठीक है। जब हर्षवर्धन का काल ख़त्म हो गया तो आपका इति का नाम है जो हरियाणा, हरियाणा हो गया और राजस्थान वाला इलाका हो गया, वहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों का उदय हुआ था, ठीक है। इसी वंश का, इस वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? राजधानी आप लोग यहाँ लिख लीजिए, राजधानी, राजधानी इसकी हुआ करती थी भीनमाल, भीनमाल, ठीक है, इसकी राजधानी हुआ करती थी। और इसी वंश का एक राजा था वत्सराज, इसने करना ये थी जो कन्नौज का त्रिपक्षी युद्ध था उसको शुरू किया था। वत्सराज ने क्या शुरू किया था? इसी वंश का एक राजा था वत्सराज, सर्वप्रथम इसी ने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि हर्षवर्धन अब मर चुका था, ठीक है, और उसके बाद कोई शासक उतना बढ़िया था नहीं। वत्सराज ने कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष की शुरुआत करी, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? त्रिपक्षीय संघर्ष में आपके शामिल थे गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, ठीक है, फिर उसके बाद आपका पाल वंश था, पाल वंश आपका बंगाल में था। अभी एक एक करके उन वंशों के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसी गुर्जर प्रतिहार वंश में एक बहुत ही का नाम महान शासक हुए, उनका नाम था मिहिर भोज, मिहिर भोज, ठीक है। मिहिर भोज के साम्राज्य में एक सुलेमान अरब यात्री आया था, उसका नाम था सुलेमान। मिहिर भोज के दरबार में आपका सुलेमान नाम का एक अरब यात्री आया था, और सुलेमान ने मिहिर भोज का जो टीका नाम शासन था उसकी तुलना करी थी जीव के समान है। सुलेमान ने कहा था कि मिहिर भोज का जो राजपाट है वो जीव के समान है, यानी कि मैं उसको जीव के समान उसको दिख रहा था, ठीक है। और इस वंश का टीका नाम अंतिम शासक कौन था? इस वंश का अंतिम शासक था राज्यपाल, राज्यपाल इस वंश का अंतिम शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। केवल आप लोगों को इतना जानना ही जरूरी है, ठीक है। और चलिए छोड़ जान लीजिए राजशेखर वगैरह के बारे में, राजशेखर इसी वंश में एक राजा हुआ करते थे, राजा नहीं हुआ करते थे, वो दरबारी हुआ करते थे। महेंद्रपाल एक नाम का राजा था इसी वंश में, महेंद्रपाल नाम का राजा हुआ करता था गुर्जर प्रतिहार वंश में ही, उनके राजशेखर दरबारी हुआ करते थे। राजशेखर की रचनाएँ आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए कि कौन कौन सी हैं राजशेखर की रचनाएँ, ठीक है। फिर आइए आप लोग हेडिंग डालिए पाल वंश, दूसरा आपका राजपूताना वंश कौन सा था? पाल वंश, पाल वंश, ठीक है। पाल वंश की थी का नाम, जब पाल वंश के जो शासक थे वो बंगाल के गौड़ क्षेत्र के निवासी थे, और गौड़ वंश के शासक जो था शशांक था, उसकी थी का नाम किससे लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? हर्षवर्धन से, ठीक है। शशांक ने ही थी राज्यवर्धन को मार दिया था, और थी राजश्री को कैद कर लिया था ना, फिर उसके बाद हर्षवर्धन ने उसको हरा के थी उसका हत्या हत्या कर दिया था। तो शशांक जब मर जाता है तो उसके बाद थी का नाम एक गोपाल नाम का एक, जब बंगाल में कोई राजा नहीं बचता है तो जो जनता थी वो गोपाल नाम के एक आदमी को राजा अपना चुन लेती है, और इसी ने पाल वंश की स्थापना करी, ठीक है। ये जनता के द्वारा चुना हुआ था, क्योंकि इति राजा मर चुका था और जनता के ऊपर शासन करने के लिए कोई था नहीं, तो जनता अपने लोगों के में से ही गोपाल को अपना राजा मान लेती है, और ये जनता के द्वारा चुना गया था, ठीक है। और इसके बारे में ये प्रचलित है कि ये तिब्बती लामा तारानाथ बताते हैं अपने ग्रंथ में कि इन्होंने उदंतपुरी में, गोपाल ने उदंतपुरी में आपका एक विहार का निर्माण करवाया था, उदंतपुरी विहार का निर्माण गोपाल ने करवाया था, ठीक है। और इति का नाम इसके बाद गोपाल के बाद कौन शासक बनता है? गोपाल के बाद धर्मपाल शासक बनता है इसी वंश का, ठीक है। धर्मपाल शासक बनता है, और धर्मपाल जिसने कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में विजय प्राप्त करता है। गोपाल वंश की स्थापना किसने करी थी? गोपाल ने करी थी, गोपाल ने उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। और गोपाल के बाद कौन शासक बनता है? गोपाल के बाद आपका शासक बनता है धर्मपाल, और धर्मपाल ने कन्नौज का जो त्रिपक्षी संघर्ष था, देखिए कन्नौज का त्रिपक्षी संघर्ष आप लोग मैप के माध्यम समझ लीजिए, मैप मुझे बनाना आता नहीं है, ये समझ लीजिए इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी गुर्जर प्रतिहार हुआ करते थे, ठीक है, और यहाँ पे आपका पाल वंश हुआ करता था, और यहाँ पे आपका ये राष्ट्रकूट हुआ करते थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूट का नाम गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पे आक्रमण किया कन्नौज के ऊपर, क्योंकि कन्नौज काफ़ी फर्टाइल इलाका था, फिर इसके ऊपर धर्मपाल ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तो धर्मपाल के कब्जे में चला गया था, फिर उसके कुछ दिन बाद यहाँ से इति राष्ट्रकूट शासक आक्रमण कर देता कृष्ण। जब यहाँ पे ये आक्रमण करता है तो यहाँ पे चोल चेर और पांडे छोटे छोटे राजा थे, वो इसके राष्ट्रकूट पे दक्षिण की तरफ से आक्रमण कर देते हैं, और यहाँ पे फिर वापस इसको कन्नौज छोड़ के राष्ट्रकूट शासक को वापस अपने यहाँ मान्य खेत आना पड़ता है, कर्नाटक और मालवा वाले क्षेत्र में आना पड़ता है। अरे भाई विदेश जीतने गए, मालूम चला अपने देश में कोई टीका नाम कोई और कब्जा कर लिया, वही हाल हो गया था राष्ट्रकूटों के साथ। देखिए उदंतपुरी में धर्मपाल, उदंतपुरी का निर्माण गोपाल करवाता है, धर्मपाल जो है ये आपका कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेता है, कन्नौज के त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेता है। फिर उसके बाद आपका ये थी धर्मपाल, और एक क्या काम करता है धर्मपाल जो होता है, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, विक्रमशिला, विक्रम
शिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, और नालंदा का जो है वो पुनर्निर्माण करवाता, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण स्थापना, नालंदा जो होता है उसका वापस से पुनर्निर्माण करवाता है, पुनर्निर्माण नालंदा का करवाता है, ठीक है। विक्रमशिला तो नए सिरे से बसाया और नालंदा का वो पुनर्निर्माण करवाया। विक्रमशिला जब ये स्थापित करता है तो ऐसा उस जमाने में कहा जाता था कि नालंदा से आपके स्कॉलर अच्छे निकलते थे, ठीक है, जो विद्वान होते थे, जो समाज में जाकर अच्छा अच्छा करते थे वो नालंदा से पढ़ा करते थे, मगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय से सबसे ज़्यादा आज का जो IAS IPS वाला पोस्ट है वो आपके उस टाइम पे जो मंत्री हुआ करते थे, सेनापति हुआ करते थे, अमात्य हुआ करते थे, वित्त मंत्री उस टाइम के राजकोष मंत्री हुआ करते थे, वो सब आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे होते थे, ठीक है। उस विद्यालय के छात्र जो होते थे वो शासन प्रशासन में बहुत अच्छे होते थे और ये लोग विद्वान बहुत अच्छे बहुत हुआ करते थे। इन दोनों विश्वविद्यालयों को किसने तोड़ा था, कैसे तोड़ा था, ये हम आगे देखेंगे, खिलजी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 200 गांवों का राजस्व दिया था, 200 गांवों को नालंदा को दान कर दिया था कि जिससे इत्तिकानंद नालंदा का आसानी से अपना सब कुछ चले वाले। फिर देखिए पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, पाल वंश का अंतिम शासक था गोविंद पाल, अंतिम शासक गोविंद पाल, ठीक है, पाल वंश हो गया। अब आप लोग अगला कौन सा है, अगला आपका हमारा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रकूट, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए तीसरा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। जो राष्ट्रकूट वंश थे ये आपका, इसकी स्थापना किसने करी थी, इसका संस्थापक था, संस्थापक आप लोग ज़्यादा आप लोग संस्थापक पूछ लेता, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे अगर वो मैं नहीं करवाऊंगा तो आपको PYQ जब मैं करवाऊंगा तो वहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो आप लोग घबराइए मत, कोशिश मैं यही करूँगा तो कि आपको 360 डिग्री सारा का सारा कुछ मिल जाए। जो राष्ट्रकूट शासक थे, राष्ट्रकूट वंश था, इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक था दंती दुर्ग इस वंश का संस्थापक था, और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, राजधानी इसने बनाई थी मान्यखेत, राजधानी मान्य खेत को बनाई थी, ठीक है। और इसी वंश में राष्ट्रकूट शासकों में ही एक शासक हुआ था कृष्ण प्रथम, इसने कन्नौज पर इत्तिकानंद में आक्रमण किया था, ठीक है, और जीत भी गया था, मगर फिर वापस इसको अपना इत्तिकानंद संभालने के लिए वापस दक्षिण की तरफ जाना पड़ा था कन्नौज छोड़ छाड़ के। कृष्ण प्रथम, इस कृष्ण प्रथम जो था इसके बारे में ये प्रचलित है कि इसने एलोरा के जो कैलाश मंदिर हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर जो हैं उनका निर्माण शुरू करवाया था, कैलाश मंदिर का निर्माण शुरू इसने करवा दिया था, ठीक है। और इत्तिकानंद में राष्ट्रकूट शासकों के बारे में नहीं, और कुछ इतने इसमें जानने लायक है नहीं। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो आप लोग देख लीजिए, अंतिम शासक था कर्क द्वितीय को इत्तिका नाम कौन हरा देता है, अंतिम शासक जो था कर्क द्वितीय इसको तैलब द्वितीय हरा देता है, और तैलब द्वितीय हरा कर किस वंश की नींव रखता है, कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखता है, याद कीजिए मैंने बताया था ना कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने रखी थी पिछले लेक्चर में, तैलब द्वितीय ने रखी थी, तैलब द्वितीय इसी का सेनापति होता है कर्क द्वितीय का, और कर्क द्वितीय को ही हरा कर तैलब द्वितीय चालुक्य वंश की नींव रखता है, कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखता है। अब आइए हम लोगों का इंपॉर्टेंट एक और है चौहान वंश, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है क्योंकि एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे पृथ्वीराज तृतीय, वो अक्सर मीडिया में और सुर्खियों में बने रहते हैं, खास करके भाजपाइयों के मुंह पर, हर दूसरे भाजपाई के मुंह से आप लोग इत्तिकानंद, भले वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जानता हो चाहे ना जानता हो, मगर इत्तिकानंद बकैती जरूर उठी करेगा। देखिए चौहान वंश का संस्थापक कौन था, चौहान वंश का संस्थापक था आपका वासुदेव, संस्थापक का नाम था वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना करी थी। ये चौहान जो थे वो मूलतः शाकंभरी के रहने वाले थे और ये कभी गुर्जर जो प्रतिहार थे उनके सामंत हुआ करते थे, ठीक है। इनका चौहानों का जो शासन था ये हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है बिजौलिया अभिलेख से हमें चौहानों के बारे में जानकारी मिलती है, और बिजौलिया अभिलेख को वासुदेव ने खुदवाया था, ठीक है। और का नाम है चौहान और कुछ तो नहीं थे, हाँ ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, और इसी वंश का एक शासक था चौहान वंश में ही आपका अजय राज ने किसकी स्थापना करी थी, अजय
मेरू की स्थापना करी थी, जो आगे चलकर धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते अजमेर बन गया। ठीक है, अजय राज ने अजय मेरू नामक एक नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी के रूप में इस्तेमाल करने लगा और धीरे धीरे आगे चलते चलते बिगड़ते 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 आपका अजमेर बन गया। ठीक है, और विग्रह राज इसी अजय राज के बाद आपका विग्रह राज शासक बनता और इसने विग्रह राज ने आशापूर्णा देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। विग्रह राज आशापूर्णा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और जो अजय राज था इसने परमार नरेश को हरा कर उज्जैनी पर अधिकार कर लिया था और इसके बाद इतिका नाम में कौन बना था, विग्रह राज बना था। और विग्रह इति विग्रह राज के बाद अणुराज्य शासक बना, अणुराज शासक बनता है। और अणुराज के समय में ही महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था जिसमें महमूद गजनवी की हार हुई थी। अणुराज्य के समय में ही महमूद गजनवी आक्रमण कर देता है, महमूद गजनवी मगर जब ये आक्रमण करता है तो अणुराज इसको हरा देता है, गजनवी ये हार जाता है महमूद गजनवी। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है, वो सब जब अगर आक्रमण हम पढ़ेंगे वहाँ पे इतिका नाम देखेंगे। और फिर इसी तरीके से कई इतिका नाम राजा होते हैं इसी चौहान वंश में ये आपका बीसलदेव होते हैं। बीसलदेव ने हरिकेल नामक एक नाटक की रचना करी थी। ठीक है, इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ अगला पेज ऐड करने दीजिए, सबसे प्रतापी शासक ठीक है इस वंश का पृथ्वीराज तृतीय था। काफ़ी और राजा होते हैं तो उनके बारे में ज़्यादा जान जिनको हम इतनी पॉपुलर मीडिया में पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। अक्षय कुमार ने ऐसी मूवी बनाई थी जैसे लग रहा था कि इतिका नाम हाउसफुल के सेट से उठ के आया और हाउसफुल के सेट पर बाला का किरदार निभाया और वहाँ से आके पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाने लगा। पृथ्वीराज जो था ये काफ़ी प्रतापी शासक था और इसने राय पिथौरा की उपाधि धारण करी, राय पिथौरा की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान ने आपका जो इतिका नाम चंदेल वंश के शासक थे परमर्दीदेव से युद्ध किया था। चंदेल वंश के शासक थे ये और इसी युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने आल्हा और उदल को हराया था। ठीक है, आल्हा और उदल इसी युद्ध में मारे गए थे। चंदेल शासक थे परमर्दीदेव, इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। बुंदेलखंड के शासक हुआ करते थे परमर्दीदेव, इनके ऊपर आक्रमण कर देता है। ठीक है, और इनको हरा देता है। जब परमर्दी देव की तरफ से कौन सा लड़ रहा था, आला और उदल। ठीक है, ये पूछ देता कि आला उदल किसके दरबार में रहा करते थे तो परमर्दी देव के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था, इसके पिता का नाम था सोमेश्वर, पिता का नाम इसके सोमेश्वर था। और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक चंद्रवरदाई नाम का कवि रहता था चंद्रवरदाई ने किसकी रचना करी, पृथ्वीराज रासो की रचना करी चंद्रवरदाई ने। ठीक है, और इसी इतिका नाम पृथ्वीराज चौहान ने आपका 1191 का जो युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। ठीक है, इसमें ये मोहम्मद गौरी को हरा देता है, मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है क्योंकि देखिए जो पृथ्वीराज चौहान था इसके समय में काफ़ी इतिका नाम बढ़ गया था। इनका शासन दिल्ली पर भी हो गया था, अजमेर पर भी हो गया था, फिर कुछ गुजरात के इलाकों पर भी हो गया था और उसके बाद कन्नौज वाले क्षेत्र में भी इनका दबदबा बढ़ गया था। तो इतिका नाम सबसे पहले मोहम्मद गौरी जब आता है तो वो देखता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और ये इतिका नाम काफ़ी प्रतापी शासक था इसीलिए इतिका नाम इसके ऊपर आक्रमण करता है। तराइन के युद्ध में दोनों की सेना आमने सामने होती हैं और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है और ये काफ़ी इतिका नाम इनसे माफ़ी मांगता है। तो इतनी राजपूत राजा थे, सोचे कि इतिका नाम छोड़ो हटाओ, काफ़ी इतिका नाम बेचारा हार उड़ गया, इसके इतिहारे हुए को क्या मारना, तो ये छोड़ देता है। ठीक है, मगर ये मोहम्मद गौरी बहुत ही चालू किस्म का इंसान था, वापस ये जाता है और अपनी सेना को संगठित करता है और वहाँ पर आकर फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में इनका आमना सामना होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में ये जयचंद जो होता है ये आपका 1192 में हुआ था तराइन के द्वितीय युद्ध में ये होता है कि जैसे मान चलिए यहाँ पर ये पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, और यहाँ पर इधर से इतिका नाम मोहम्मद गौरी हमला किया, ये गौरी हमला कर देता है यहाँ से मोहम्मद गौरी पीछे से क्या करता है ये इतिका नाम पृथ्वीराज चौहान क्या किया रहता है, जयचंद की बेटी को उठा के इससे इतिका नाम अगवा करके इससे शादी कर लिया रहता है। तो जयचंद इतनी खार खाए बैठा रहता है जयचंद, हालांकि जो इतिका नाम जयचंद था ये इसका मौसा लगता था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का मौसा लगता था। इसने पृथ्वीराज चौहान अपनी मौसी की बेटी से ही शादी कर ली थी। ठीक है, जो संयोगिता थी वो पृथ्वीराज चौहान की मौसेरी बहन थी,
तो इनसे इति का नाम ये शादी कर लिया जाता है जबरदस्ती उठ इति करके। तो जब इति का नाम गौरी आक्रमण करता है, ये पीछे की तरफ से इति का नाम है जयचंद इधर इधर से हमला कर देता है। तो ये जो पृथ्वीराज चौहान की सेना थी वो दोनों फ्रंटों पर इति का नाम उलझ जाती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इतिहास गवाह रहा है कि दो फ्रंटों पर लड़ाई कभी भी इति का नाम जीत नहीं पाया है कोई। अगर आपका दो फ्रंट खुल गया तो मतलब कि आपका हारना तय। अरे आधी सेना यहाँ व्यस्त हो गई, आधी सेना यहाँ व्यस्त हो गई, बस उसी में इति का नाम ये हार जाता और इसकी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई लोग कई दिनतियाँ प्रचलित है कि इसको गौरी इति वहाँ लेकर गया था, वो काबुल उबुल लेकर गया था, ऐसा कुछ है नहीं, यहीं पर इति का नाम इसकी मृत्यु हो जाती है तराइन का द्वितीय युद्ध में ही। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान के दरबारी के पृथ्वीराज रासो इति का नाम लिखने वाले कौन थे? चंद्रबरदाई थे। और पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से शादी करी थी। फिर देखिए आपका अगला इति का हमारा इम्पोर्टेंट कौन सा वंश हो जाता है? अगला वंश है हमारा चंदेल वंश, चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश जो थे वो जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति मतलब बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड को ही जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। यहाँ के इति का नाम ये शासक हुआ करते थे। चंदेल जो थे ये कभी गुर्जर प्रतिहारों के ये भी सामंत हुआ करते थे। और इस वंश की स्थापना किसने करी थी? इस वंश का स्थापना करी थी नन्नुक ने। संस्थापक जो था वो नन्नुक था, नन्नुक ने इस वंश की स्थापना करी थी। नन्नू की इस वंश का स्थापना करने के बाद इस वंश में एक परमर्दि देव के दरबार में ही कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और इति का नाम उतना ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो इति का नाम कौन हुआ था? शायद विद्याधर था क्या? नहीं, परमर्दि देव ही था। परमर्दि देव ही अंतिम शासक था क्योंकि इसको पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। परमर्दि देव था, ठीक है, परमर्दि देव को इति पृथ्वीराज चौहान ने हराकर जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था वो अपने अजमेर के इति का नाम मिला लिया था, अजमेर में। फिर आपका इति हेडिंग डालिए कौन इम्पोर्टेंट है? परमार वंश, परमार वंश, परमार वंश। इसका संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक श्रीहर्ष था। संस्थापक जो था परमार वंश का ये श्रीहर्ष था, श्रीहर्ष इसका नाम था परमार वंश। और इनका शासन मूलतः कहाँ पे था? इनका मूलतः शासन था मालवा में। ठीक है, मालवा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इति इनका शासन हुआ करता था परमारों का। और उसके बाद इसी में एक काफ़ी इति का नाम महत्वपूर्ण शासक हुए थे, तो उनका क्या नाम था? राजा भोज, राजा भोज, जिनके बारे में कहावत प्रचलित है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली। इन्होंने ही इति का नाम राजा भोज ने उपाधि धारण करी थी, कविराज की, कविराज की उपाधि धारण करी थी। और इन्होंने भोजशाला महाविहार का निर्माण करवाया था। और वांग देवी मतलब सरस्वती की देवी, सरस्वती देवी की प्रतिमा का भी निर्माण इन्होंने सर्वप्रथम किया था। उससे पहले सरस्वती देवी की प्रतिमा किसी ने बनवाई नहीं थी। वांग देवी ये सरस्वती देवी के पुजारक हुआ करते थे जो परमार वंश थे, परमार वंश के लोग थे। ठीक है, और इति का नाम इसी राजा भोज ने 1008 ईस्वी में जो महमूद गजनवी था इसको इति का नाम हराया था। परमार वंश के राजा भोज ने ही इति का नाम महमूद गजनवी को हराया था। छोटा सा युद्ध हुआ था जितना ज़्यादा इति का नाम युद्ध फैला नहीं था, मगर उस युद्ध में इति का नाम महमूद गजनवी हार गया था। फिर देखिए कश्मीर के राजवंश, कश्मीर के राजवंश से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कश्मीर के जो इति राजवंश थे, पहला आपका कारकोट वंश, छोटा छोटा इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कारकोट वंश इनकी राजधानी कहाँ थी? कारकोट वंश की राजधानी थी परिहासपुर, परिहासपुर इनकी राजधानी हुआ करती थी। और इस वंश की स्थापना किसने करी थी? इस वंश की स्थापना करी थी दुर्लभवर्धन ने इस वंश की स्थापना करी थी। और दुर्लभवर्धन के इति का नाम दरबार में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग कब भारत आया था? मैंने बताया था ना 629 से लेकर 645 ईस्वी ह्वेनसांग भारत में रहता है। 636 में ये इति का नाम वहाँ जाता है, वो हर्षवर्धन के दरबार में जाता है। ठीक है, इसी कारकोट वंश में ही आपका एक बहुत ही प्रतापी शासक थे ललितादित्य, ललितादित्य। आप लोगों ने जो कश्मीर फाइल थी उसमें इनका नाम सुना होगा। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीठ इनका पूरा नाम था, मुक्तापीठ। ठीक है, और ये काफ़ी प्रतापी शासक, इन्होंने कश्मीर से लेकर आपका कन्नौज वाला जो इलाका था वहाँ तक, कन्नौज गंगा का मैदान था, काफ़ी उपजाऊ था, तो इन्होंने कन्नौज तक अपना इति का नाम शासन फैला दिया था। कन्नौज के बाद ये उधर बंगाल की तरफ भी बढ़ गए थे और बंगाल में इन्होंने गौड़ नरेश की हत्या कर दी थी। सोचिए काफ़ी इति का नाम फेमस राजा थे। और उसके बाद आपका इति का नाम इसमें और कुछ जानने का बस इतना ही, पर और कुछ इसमें जानने का ज़रूरत है नहीं। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए अरब आक्रमण। ठीक है, अरब
आक्रमण। इससे ज़्यादा आप लोगों को इतनी क्या नाम राजपूत राजाओं का पूछने का इतनी गुंजाइश है नहीं, और कुछ छूटेगा तो वो हम लोग PYQ में कवर कर ही देंगे। अरब आक्रमण PYQ कराने का फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि अब आगे इतनी क्या नाम मिलने वाला क्या है, ठीक है। अरब आक्रमण, भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमण जो था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? आक्रमण ये किया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और इसने कब आक्रमण किया था? इसने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में इसने सिंध व मुल्तान को अपने अधीन कर लेता है आक्रमण करके, और जो गैर मुसलमान थे उनके ऊपर जजिया कर लगाता है। तो भारत में सर्वप्रथम जजिया किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और ये भी एग्ज़ाम में पूछा है, सर्वप्रथम जजिया इसी ने लगाया था, प्रथम जजिया मुल्तान व सिंध वाले इलाके पर जजिया कर, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम के समय काबुल पर जो था वो हिंदूशाही वंश के शासक राजा दाहिर का शासन था, ठीक है, राजा दाहिर का शासन हुआ करता था। उसके बाद इतनी का नाम कौन आक्रमण करता है? उसके बाद आपका इतनी का नाम है क्या नाम था उस ठीक नाम जिहादी का, महमूद गजनवी आक्रमण करता है, ठीक है। ये 912 ईस्वी के आसपास आक्रमण करता है पहली बार, 912 ईस्वी के आसपास आक्रमण करता है। मैं क्या कर रहा हूँ यार, 912 नहीं है आपका, 1000 ईस्वी है, ठीक है। 1000 ईस्वी के आसपास आक्रमण करता है, और 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार। और 17 बार इसने गुजरात के सोमनाथ जो मंदिर था उसको लूटता है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर में बहुत चढ़ावा चढ़ता था, सोमनाथ मंदिर में पंडे पुजारी क्या कर रहे थे, बावन सब जो वहाँ के थे क्या कर रहे थे, अगर जो थरिया प्लेट मार के भी इतिकानम भगाए होते तब भी। और ये सोचिए इतिकानम सोमनाथ मंदिर पर कितने लोगों के साथ आक्रमण करता था? केवल 500 लोगों के साथ, ठीक है, केवल 500 लोगों के साथ ये आक्रमण करता था, और इसको इतिकानम लोग इतनी हरा नहीं पाते थे, ठीक है। और ये महमूद गजनवी जो था ये गजनी के शासक सुबुकुद्दीन का पुत्र था, इसके बाप का नाम क्या था? सुबुक्तगीन था, ठीक है। और ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब करता है? 1026 में, इसका 1026 में जो आक्रमण है वो सोमनाथ के मंदिर के ऊपर वो काफ़ी फेमस था। हालांकि ये 17 बार आक्रमण करता है, मगर इतिकाना में उस जो 1026 वाला आक्रमण था वो काफ़ी इतिकाना में दर्दनाक और काफ़ी भयानक है। इसके दरबारी विद्वान जब ये भारत आया तो इसके साथ कौन कौन भारत आया था? इसके साथ भारत आया था अल बरूनी, ठीक है। और ये अरबी इतिकाना विद्वान था, और इसने किताबुल हिंद की रचना करी, किताबुल हिंद की रचना करी, ठीक है। अलबरूनी आया था, और इसके साथ कौन आया था? उतबी ने किसकी रचना करी थी? किताबुल यामिनी की। जब मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा तो उनके स्रोत में ये आपको कवर करवा दूंगा, किताबुल यामिनी की रचना करी, ठीक है। फिर आपका फिरदौसी की महत्वपूर्ण रचना कौन है? शाहनामा, ठीक है। और इसके साथ कौन आया था? बैहाकी ने क्या लिखी थी? तारीख ए सुबुक्तगीन, इसके बाप के टीका नाम बड़ाई में लिखी थी, तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन लिखी थी, ठीक है। और जब महमूद गजनवी के बाद आपका कौन आता है? मोहम्मद गौरी आता है। गौरी के बारे में हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने गुलाम वंश की स्थापना करी, फिर इल्तुतमिश था, उसने सुल्तान की उपाधि धारण करी इल्तुतमिश के बाद, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान के बाद फिर आपका बलबन के बारे में पढ़ेंगे, इस तरीके से हम लोग मध्यकालीन इतिहास कवर करेंगे। मगर अब यहीं पर आपका प्राचीन इतिहास जो का जो पोर्शन था वो सारा का सारा मैंने कवर करवा दिया, ठीक है। इससे इतिका नाम ज़्यादा बाहर इतिका नाम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोग एक बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए, और आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा जरूर कि इसके बाद मैं क्या शुरू करूँ, मध्यकालीन इतिहास या कोई अन्य सब्जेक्ट, पॉलिटी को छोड़ के आप लोग जो भी बताएंगे वो मैं शुरू कर दूंगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस हमारे कहाँ पे हैं? ये रहे क्वेश्चंस, यहाँ से। रुक जाइए, थोड़ा जूम कर लेने दीजिए इसको। अब ठीक है, चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। देखिए 212 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल में
कहाँ पर नियंत्रण कर पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ पर किसके लिए हुआ था? तो मैंने बताया था ना कि हमारे कन्नौज पर हमला करने के लिए, कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के लिए। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो अभी मैंने क्या बताया था, किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल के। अभी मैंने पीछे लिखवाया है ना, जो पीवाई के उनको मैं नज़र में रख के ही आपको ठीक करा था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी? तो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। ठीक है, फिर 215 नंबर क्वेश्चन देखिए। 215 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? ये कामरूप किसका प्राचीन नाम है? आसाम का। आसाम को प्राचीन काल में कामरूप कहा जाता था। सोचिए, सीजल में भी आया और सीचेसल में भी आया हुआ। भारत के किस राज्य क्षेत्र में कामरूप पे एक प्राचीन नाम है? अरे यार, डबल डबल क्यों आ गया? असम। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो वर्मन वंश का जो इतिका नाम भास्कर वर्मन था, इसने कामरूप के ऊपर, जो आपका आसाम का काम इतिका नाम इलाका है, उसके ऊपर वर्मन वंश का भास्कर वर्मन ने शासन किया था। 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? मैंने क्या बताया था, धर्मपाल ने करी थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मैंने क्या बताया था, बंगाल में ही आपका उदंतपुरी इतिका नाम शिक्षा केंद्र का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल ने करवाया था। सॉरी, ये बंगाल में नहीं, ये बिहार में है, बिहार में है। फिर देखिए अगला, 219, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? पाल राजवंश का संस्थापक था गोपाल, इसको जनता ने चुना था। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनवाए गए थे? और ये हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, देखिए आपके SSC MTS में भी आया हुआ है। खजुराहो के जो मंदिर है वो किसने बनवाए थे? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको बनवाया था आपका ये बी चंदेल वंश के शासकों ने। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें 1112 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था। किसमें? तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था, और ये चौहान शासक थे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का, मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के शासन के संरक्षण में करवाया गया? तो भोजशाला मैंने क्या बताया था, राजा भोज ने बनवाया था। ठीक है, और ये किस वंश के शासक थे राजा भोज? ये आपके परमार वंश के राजा थे। जयमल व भत्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश 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 के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। जयमल और भत्ता ये काफ़ी इतिका नाम लड़ाकू इंसान थे। ठीक है, इनको कहाँ का इतिका नाम सौंपा गया था? चित्तौड़ का। जयमल व भत्ता की कहानी आपको जो एक रणवीर कपूर की मूवी है, याद नाम उसका याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो अलाउद्दीन खिलजी वाला जो है, उसी में आपका जयमल व भत्ता का उल्लेख मिलता है। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था? तो कंदरिया चंदेल वंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका निर्माण धंगदेव ने करवाया था, और चंदेल राजाओं ने ही टीका नाम खजुराहो के मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? सेन, पाल, चोल या प्रतिहार? तो प्रतिहार शासकों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, प्रतिहार शासकों में ही आपका इतिका नाम है वो था जयचंद था। ठीक है, जब हार निश्चित हो जाती थी तो डैश 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 पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। ठीक है, तो ये कौन इतिका नाम शक नाम का इतिका अनुष्ठान करता था? ये राजपूत किया करते थे, और महिलाएं क्या करती थी? जौहर किया करती थी। ठीक है, जौहर में वो चिता के हवाले कर देती थी, और जो पुरुष थे वो अपने आप को युद्ध में लड़ते लड़ते इति मारे जाते थे। ठीक है, फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? नागभट्ट, मिहिर भोज, रामभद्र या सामंतसेन? तो प्रतिहार वंश के इतिका नाम महानतम शासक कौन थे? मिहिर भोज थे। ठीक है, मिहिर भोज प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। फिर 228 नंबर, पृथ्वीराज चौहान ने किससे शादी करी थी? संयुक्ता या संयोगिता भी इनको कहा जाता है, संयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। कौन से दो प्रमुख शहर चौहानों के नियंत्रण में थे? तो आपका दिल्ली और अजमेर, पहला ही आपका ऑप्शन सही है। दिल्ली व अजमेर चौहानों के नियंत्रण में हुआ करते थे। फिर देखिए, मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने हराया था, वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, चौहान शासक थे। और देखिए कितनी एग्जाम में आया, SSC CPU में दिया हुआ है, SSC MTS में दिया हुआ है, CHSL में आया हुआ है, CHSL में फिर दोबारा से आया हुआ है। फिर देखिए, अरबों का जो आक्रमण है उसमें देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था ये आपका जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। चंदावर का युद्ध जब मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको बताऊंगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था 11वीं शताब्दी? महमूद गजनवी ने लूटा था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? तो पंजाब के बाहर महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब किया था इसने? अंतिम आक्रमण किया था इसने सोमनाथ पर,
ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था, तो अंतिम आक्रमण का सवाल ही नहीं उठता कि ये कहीं और करेगा। फिर देखिए 711 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मैंने बताया था ना कि सबसे पहला इत्ती का नाम अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, और आप लोग यहाँ एक चीज़ इत्ती का नाम कन्फ्यूज़ मत कर लीजिएगा, जो पहला अरब आक्रमण है वो तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, मगर पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, अरबों से इतर, वो किसने किया था? मोहम्मद महमूद गजनवी ने किया था। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है। 711वीं ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, 711-712 मैंने बताया था, चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और गढ़वाल शासक इत्ती का नाम जयचंद के बीच में हुई थी। फिर देखिए उज्बेकिस्तान से अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान से अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? 11वीं शताब्दी में आया था, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था, यही मैंने बताया था ना। फिर देखिए 240 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराने वाला कौन था 1178 में? अरे 1178 सॉरी गलती हो गया, 1191 में पृथ्वीराज ने हराया था, 1178 में आपको किसने हराया था? भीम द्वितीय ने हराया था, ठीक है, 1178 में। ये गुजरात के शासक थे भीम द्वितीय, इन्होंने इत्ती का नाम हराया था। और भीम द्वितीय ने अपनी योग्यता व साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया था और उसे परास्त कर दिया था, ठीक है। और यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी, मोहम्मद गौरी की पहली भारत में पराजय 1178 में हुई थी। और जो ये नायिका देवी थी, नायिका देवी, इन्होंने मोहम्मद गौरी का लिंग काट दिया था। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये और ये हंसने वाली बात नहीं है, सच में इत्ती का नाम ऐसा हुआ था। नायिका देवी थी, भीम द्वितीय की माँ थी ये नायिका देवी, और इनके इति नेतृत्व में भीम द्वितीय ने क्या किसको हरा दिया था? मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, और इसका जो लिंग था उसको काट दिया था, ठीक है, पकड़ के। इसीलिए इति मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं हुई थी ना इसके, ये अपने संतान किसको मानता था? गुलामों को मानता था, क्योंकि इसकी संतान थी ही नहीं, संतान पैदा करने का शासन इति साधन ही नहीं था इसके पास। एक महिला ने इसका इति का नाम भीम द्वितीय की माँ ने इसका इति वो काट दिया था जब ये हार गया था 1178 के युद्ध में, पकड़ के। फिर देखिए महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया है? महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था आपका 1001 में किया था, ठीक है। फिर 242 नंबर क्वेश्चन, देखिए 242 नंबर क्वेश्चन, ये चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया था? चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया था। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी को किस शासक के द्वारा बंदी बनाया गया था? तो किताबुल हिंद के जो लेखक थे अलबरूनी, उनको बंधक किसने बनाया था? महमूद गजनी ने बनाया था, ठीक है। ये बेसिकली जो अलबरूनी थे ये आपका उज्बेकिस्तान वाले क्षेत्र में के थे, मगर उज्बेकिस्तान के ऊपर महमूद गजनी आक्रमण करता है, और जब आक्रमण करता है तो वहाँ पे इत्ती का नाम जो विद्वान उद्वान थे उनमें से ये अलबरूनी था, अलबरूनी की विद्वता से काफ़ी प्रभावित होता है और ये अपने साथ इनको जोड़ लेता है अलबरूनी को, तो इसीलिए अलबरूनी को बंदी किसने बनाया था? महमूद गजनी ने बनाया था। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का हमला और लूटपाट किसने करी थी? सोमनाथ मंदिर पर हमला मोहम्मद गजनी, बच्चे बच्चे को पता है, मोहम्मद गौरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो मैंने क्या बताया था, तराइन के दो युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। फिर आपका 246 नंबर क्वेश्चन, 1001 में सब अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो किस भारतीय शासक को हराया था महमूद गजनी ने हराया था आपका जयपाल को हराया था, ठीक है, जयपाल को हराया था। फिर 247 नंबर क्वेश्चन, देखिए 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी किस भारतीय शासक को हराया था? अरे वही बार बार आ रहा है यार, जयपाल। MTS में भी पूछ दिया है और इत्ती का नाम CHSL में भी पूछ दिया, देखिए दो क्वेश्चन सेम ऑप्शन है, केवल इत्ती का नाम इधर उधर बदल दिया। तो आप लोग PYQ के ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप लोग PYQ को इस तरीके से मत लीजिए कि अरे PYQ माने क्या होता है, PYQ कुछ नहीं है, ये है वो है, वो कहने दीजिए। और इत्ती का नाम आप लोग केवल मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, और एक GS की कोई एक बुक साथ में रखा कीजिए, ठीक है। या आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, जो मैं नई चीज़ें बताता हूँ उनको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए। नोट्स इस तरीके से बनाइए कि वो आपके इंटीग्रेटेड हो, ऐसा ना हो कि इत्ती का नाम MTS के लिए आप नोट बना रहे हैं तो वो GD के लिए काम नहीं आएगा, या GD के लिए नोट्स बना रहे हैं तो वो आपका NTPC में काम नहीं आएगा, NTPC के लिए नोट्स बना रहे हैं तो वो आपका UPSI में काम नहीं आएगा। नोट्स आपके सब जगह, हर GS के क्वेश्चन में आपका जो सूर्य है वो पूरब से ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपका पश्चिम से निकल जाएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए कि अगला इत्ती का नाम सब्जेक्ट आप लोग कौन सा पढ़ना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद।